अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन, बुक वन है हमारी। पोएम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माय कैट, पेज नंबर 10। इससे पहले हमारे पास था अनवर्ड स्ट्रीम, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है वर्ड टू नो, कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग दी हुई है, जिनको हमें पता होना चाहिए, जिन वर्ड्स की मीनिंग। कैच, कैच मीन्स पकड़ना होता है, टू टेक एंड होल्ड समथिंग दैट इज मूविंग, कोई भी मूव होती हुई चीज़ को होल्ड करना या पकड़ना। फर, द सॉफ्ट थिक हेयर दैट कवर द बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन पे जो होता है फर, उसे कहा जाता है। हंट्स, चेजेस अदर एनिमल्स फॉर फूड, शिकार करना या जिसे कहा जाता है किसी दूसरे एनिमल को चेस करना फूड के लिए। स्मार्टर, क्लीनर एंड टाइडर, मोर इंटेलिजेंट, साफ सुथरा या बहुत जो है वो इंटेलिजेंट, स्मार्टर कहा जाता है। अब क्या है, आई हैव अ कैट हिज नेम इज रिश, मेरे पास एक कैट है जिसका नाम है रिश। हिज फर इज वाइट एंड ही लाइक्स फिश, उसकी फर जो है वो वाइट है और उसको क्या पसंद है, ही लाइक्स फिश। ही हंट्स एंड वॉक, यानी वो शिकार करती है और शिकार करता है और वॉक करता है। अबाउट माई हाउस, मेरे घर के अंदर, ही ऑलवेज आउट टू कैच अ माउस, और चूहा पकड़ने के लिए वो भाग कर बाहर जाता है। आई प्ले विद हिम एंड कीप हिम क्लीन, मैं उसके साथ खेलता हूँ और उसे साफ सुथरा रखता हूँ। अ स्मार्टर कैट यू हैव नेवर सीन, एक स्मार्ट कैट जो आपने कभी नहीं देखी। तो ये है इस पोएम की ट्रांसलेशन। अब इस पोएम में हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास पेज नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग द पोएम। क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि पता चले कि हमने जो पोएम अभी रीड की है वो हमें कितनी समझ में आ गई है या कितना हमने उसको अंडरस्टैंड किया है। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर्स, यानी आप टीचर से डिस्कस करके उसके बाद इसके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। इज रिश मेल और फीमेल, जो रिश कैट है वो मेल है या फीमेल है। अब यहाँ पर क्या बताया है, मेल इज द वर्ड फॉर बॉय और मैन, मेल जो है वो बॉय या फिर मैन के लिए यूज होता है, और फीमेल इज द वर्ड यूज फॉर गर्ल्स और वुमेन, फीमेल जो है वो गर्ल्स और वुमेन के लिए यूज होता है। तो रिश जो कैट है उसके बारे में जो बताया है वो मेल है या फीमेल है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल के बारे में कैसे पता चलेगा। तो मेल के लिए हमारे पास यूज होते हैं कुछ वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी करने के लिए लिख दिया कि ही, हैज और हिम, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये यूज होते हैं मेल के लिए, और शी और हर यूज होते हैं फीमेल के लिए। तो हमारे पास पोएम में क्या वर्ड यूज हुआ है, हिज। हिज नेम इज रिश, हिज नेम इज रिश, यानी कि किसकी बात हो रही है, मेल की। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ही भी मेल के लिए यूज होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है हिम भी मेल के लिए यूज होता है। इट मीन्स रिश इज अ मेल कैट, रिश जो है वो क्या है, मेल। इज रिश मेल और फीमेल, रिश इज अ मेल। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख दिया, रिश इज अ मेल। अब हम क्लास 1 के लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे ताकि उसको स्टडी करने में, उसको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, डज रिश हैव हेयर और फर, जो रिश कैट है उसके हेयर्स थे या फर थी। What is it like? और उसको क्या पसंद था। तो हम दोबारा पोएम की तरफ आते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है पोएम में। His fur is white, या उसके पास क्या थी, फर, हेयर्स नहीं थे। And he likes fish, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। What is it likes? It like fish. Does Rish have hairs or fur? Rish have fur. तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल लें ताकि उसको जब आप लर्न करने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा आंसर आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। डज रिश हैव हेयर और फर, रिश हैव फर, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया रिश हैव फर। और सेकंड चीज़ क्या है, व्हाट इज इट लाइक, तो यहाँ पर क्या लिखा था, ही लाइक्स फिश। तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप और आगे लिखेंगे ही लाइक्स फिश।
ये हो गया नंबर बी का आंसर. क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डज रिश डू इन द हाउस. व्हाट डज रिश डू इन द हाउस. रिश जो है वो हाउस में क्या करता है. ही हंट्स एंड वॉक अबाउट द हाउस. वो घर में क्या करता है, हंट्स एंड वॉक. तो हम क्लास वन के लेवल पे बार बार सोचेंगे कि वन के लेवल पे है, तो आंसर को शॉर्ट से शॉर्ट रखें ताकि बच्चों को लर्निंग में बहुत ईजी हो. तो हम सिर्फ लिखेंगे ही हंट्स एंड वॉक, या फिर हम क्वेश्चन में से लेंगे रिश हंट्स एंड वॉक इन द हाउस. नंबर सी, रिश हंट्स एंड वॉक इन द हाउस. अब इन द हाउस हमने क्वेश्चन में से पिक कर लिया और हंट एंड वॉक सिर्फ लर्निंग में आ जाएगा हमारा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस. रिश जो है वो घर से बाहर क्या करता था. ही ऑलवेज आउट टू कैच अ माउस. अब हमारे पास पोएम में क्या चीज़ बताई हुई है कि रिश जो है वो हमेशा बाहर होता था टू कैच द माउस. और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है दैट व्हाट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस. ही ऑलवेज आउट टू कैच अ माउस. तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट रिश ऑलवेज आउट टू कैच द माउस, या फिर हम क्वेश्चन में से ले सकते हैं रिश कैच द माउस आउटसाइड द हाउस, ताकि हमारा क्वेश्चन में से भी आंसर पिक हो जाए और इजी भी हो जाए. रिश कैच अ माउस, यहाँ से फिर हम क्वेश्चन से ले लेंगे आउटसाइड द हाउस. आउटसाइड द हाउस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर ई इज रिश क्लेवर. क्या रिश जो है वो क्लेवर था, यानी अकलमंद था, होशियार था. सो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, अ स्मार्ट कैट यू हैव नेवर सीन. स्मार्टर कैट, स्मार्टर कैट, स्मार्टर का मीन क्लीन, टाइडर, इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो क्लेवर. सो यहाँ पर हमारे पास सिंपल आ जाएगा येस, रिश इज क्लेवर. सिंपल हम क्योंकि क्लास वन के लेवल पे हम बार बार बता रहे हैं कि बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे. येस रिश इज क्लेवर. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज योर इन योर ओन वर्ड्स से व्हाट रिश इज लाइक. अपने हम खुद की वर्डिंग्स में पोएम को चैप्टर को रीड करने के बाद बताएंगे दैट व्हाट इज रिश लाइक, रिश किस तरह का था. तो हम इसको सिंपल अपनी वर्डिंग्स में लिख लेते हैं. यहाँ पर हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, दैट उसकी फर के बारे में, फर का कलर हो गया, व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डू, व्हाट ही कैच, व्हाट ही प्लेस and he is a clever or smarter cat. तो हम इसका आंसर बना लेते हैं, Rish have white fur, he likes fish, हम इन सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके भी इसका आंसर बना सकते हैं. लाइक रिश हैव फर, रिश हैव फर, तो हमने यहाँ लिखा रिश हैव वाइट फर, ही लाइक फिश, ही हंट्स एंड वॉक, ही कैच माउस आउटसाइड द हाउस, रिश इज क्लेवर. तो हम कोशिश करेंगे कि छोटा सा आंसर बना लें, रिश हैव वाइट फर, ही लाइक फिशेस, ही इज अ स्मार्टर कैट, ही इज अ स्मार्टर कैट. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर. आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू लर्निंग ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको इतना रहने देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स. कैन यू हंट लाइक रिश,
क्या आप ब्रश की तरह हंट कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं? फाइंड दीज वर्ड्स, वी हैव टू हंट दिस वर्ड्स, हमें इन वर्ड्स को फाइंड करना है, हंट करना है. दे आर ऑल इन द पोएम, ये सारे वर्ड्स पोएम में से लिए हुए हैं. द लेटर्स आर जम्बल्ड, जम्बल्ड मीन्स इनको आगे पीछे किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है. यू हैव टू मेक द करेक्ट पोजिशन ऑफ द स्पेलिंग और फिर आपको एक वर्ड बनाना होगा. सो सबसे पहले हमारे पास है वर्ड कैट, सी ए टी. नंबर बी हमारे पास है फर, एफ यू आर. नंबर सी फिश. नंबर डी हाउस. नंबर ई माउस. नंबर एफ प्ले. नंबर जी हंट्स. नंबर एच नेम. तो ये हो गया हमारा लर्न, ये सेकेंड हमारा वर्किंग विद वर्ड्स. नंबर सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ आ जाते हैं. सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है हमें, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन शोज द पोजिशन बिटवीन वन नाउन एंड अनदर, दो नाउन्स के बीच में कोई भी पोजिशन. द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ पर कैट हो गया और यहाँ पर टेबल हो गया और दोनों के बीच की पोजिशन ऑन. इसी तरह से अंडर, डाउन एंड अप, दीज आर कॉल्ड द पोजिशंस. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक्चर्स देख के सेंटेंस को कंप्लीट करना है यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन गिविंग इन द बॉक्स ऑन पेज नंबर 11. पीछे पेज नंबर 11 पे जो बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हुए थे उन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें इसको फिल करना है. अनवर इज डैश द क्लॉक, अनवर जो है वो लॉक के ऊपर बैठा हुआ है. सो ये हो जाएगा ऑन. अनवर इज क्लाइंबिंग डैश द ट्री, ट्री के ऊपर चढ़ रहा है तो अप. देन द लीफ इज फॉलिंग, पत्ते गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं. सो लीव इज फॉलिंग डाउन. द आंट इज डैश द लीफ, आंट जो है वो लीफ के नीचे है, इट मीन्स अंडर. नाउ वी हैव नंबर डी ऑन पेज नंबर 12. लिसन एंड स्पीकिंग, रीड द वर्ड्स अलाउड. सी एच का साउंड चिप, चिन, चॉप, चैप. एस एच का साउंड शिप, शिन, शॉप, शूट. सी एच का साउंड हम जे के साथ यूज करते हैं, चिप, चिन. एस एच का साउंड हमारा शीन के साथ यूज होता है. टी एच थिक, थिन, विथ, क्लॉथ. ते और थे का साउंड मिक्स करके आता है हमारा. देन दिस, द दाल का साउंड. अब आई के साथ आ रहा है तो थे. एंड देन दिस, दैट, द, दीज. तो ये हमारा टी एच का साउंड हो गया. लिसन टू द वर्ड्स ऑफ दीज, लिसन टू द साउंड ऑफ दीज वर्ड्स, राइट एज यू लिसन. जैसे आप सुन रहे हैं बिल्कुल वैसे ही उसको लिखना है, उनको साउंड्स को करेक्ट प्रोनाउंस करके. लास्ट हमारे पास पेज नंबर 13 भी क्या है, एक्टिविटी है. टॉक अबाउट योर पेट्स, जिसके पास जो भी पेट्स हैं, जो भी पालतू जानवर हैं, उनके बारे में बात करेंगे. इफ़ यू डू नॉट हैव अ पैट, विच पैट वुड यू लाइक, अगर आपके पास नहीं है तो आप कौन सा पैट रखना चाहोगे, क्यों रखना चाहोगे वो पैट, हाउ विल यू लुक आफ्टर इट, आप उसका ख्याल कैसे रखोगे, What will it eat? वो क्या खाएगा? And where will it sleep? और वो कहाँ सोएगा? अब इसमें आपके पास, सबके पास अपनी अपनी चॉइस है. जैसे यहाँ पर इसके पास डॉग है, फिश है, टर्टल, पैरट, डॉग, पीजन है, बर्ड्स हैं, स्नेक है और रैबिट है. तो सबकी अपनी चॉइस होगी पेट में और सब अपने पेट के बारे में खुद से लिखेंगे.
अब हमने यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल जो है एक पेट के बारे में मेंशन कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने पूछा था विच पेट वुड यू लाइक, सो मैंने लिख दिया आई वुड लाइक टू हैव अ कैट। देन उन्होंने पूछा वाई, बिकॉज आई लव कैट्स। देन हाउ विल यू लुक आफ्टर इट, तो यहाँ पर आई विल प्ले विद हिम, टेक गुड केयर ऑफ हिम, तो ये हो गया लुक आफ्टर। वॉट विल इट ईट, माई कैट विल ईट फिश। And where did will it sleep? He sleeps with me in my room. So ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिया अपने my cat के ऊपर as a pet. आप कोई भी pet animal ले सकते हो, उसका चाहो तो इसी उसमें उसका नाम चेंज कर लो cat की जगह, जो भी आपका pet है, जो भी वो खाता होगा, जहाँ भी वो सोएगा, वो सब चीज़ें आप इसमें चेंज करके ऐड कर सकते हो, या फिर आप एक प्रॉपर पैराग्राफ अपने फेवरेट pet के ऊपर बना सकते हो। तो दिस इज़ द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर माई कैट। हमने इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली और इसकी एक्सप्लेनेशंस भी चेक कर ली।